ट्रैक्टर रैली निकालना चाहिए, सरकार पे कोई दबाव बनेगा या नहीं? नहीं, हम तो परेड के लिए निकाल ली, 26 तारीख की परेड में शामिल होंगे, टैंक की साइड में चलेंगे, ट्रैक्टर की साइड में चलेंगे, ट्रैक्टर दो लाइन में चलेंगे, टैंक एक लाइन में एक साइड में चलेगा, राइट साइड में तो टैंक होगा मंच की तरफ और लेफ्ट साइड में ये ट्रैक्टर चलेंगे। हाँ बढ़िया है, बढ़िया रही आज की, उस दिन भी काफ़ी संख्या में लोग आएंगे दिल्ली में, परेड में शामिल होंगे, उनकी लिस्ट बनेगी ट्रैक्टरों की। क्या लगता है मतलब कि कल के में कुछ बातचीत में हल पूरा तरह से निकल पाएगा? अब देखो वहाँ चलेंगे तो बात करेंगे सरकार के, क्योंकि बिना मुकदमे की तारीख है, कुछ कह नहीं सकते, मुकदमा लिखा नहीं गया, तारीख लग रही ये बिना मुकदमे की तारीख पूरे देश में पहली बार ही लगी, पता नहीं कौन सी धाराओं में लगाई, क्या मामला हुआ ये समझ में नहीं आया। क्या लगता है कि तारीख दे रही है? हाँ तारीख दे रही, बिना मुकदमे की तारीख है, यही तो होगा, कौन सी आईपीसी की धारा थी, सीआरपीसी की धारा है, कौन सी धाराएं हैं ये, तो ये समझ में आई बात। पूरे प्रदेश के नहीं देश के किसानों की तरफ जब संयुक्त मोर्चा की मीटिंग होती है उसमें एक चर्चा आती है कि हरियाणा का कोई भी विधायक ऐसी कोई लकीर नहीं खींच रहा जिस तरह सरकार तोड़ी दिख जी, सारे आपका नहीं मुंह देखे, ठोस फैसला लेने की, ठोस फैसला। मैंने ना अपने सब साथियों से बात करी थी, आप भी हमारे साथी हो, सबने मुझे ये कहा था कि भी आप जो फैसला करोगे हमें मान्य। मैंने अब दोबारा फिर साथियों से चर्चा करी थी, मैं आज आपके रूप में एक बात कहना चाहता हूँ, मैं आज 8 तारीख है, 26 तारीख तक अगर कोई फैसला हो गया, कोई सरकार मान गई तो ठीक है, नहीं मानी तो 27 तारीख को इस्तीफे की कॉपी आपको भी भेज दूंगा और 27 को इस्तीफा ज्ञानचंद गुप्ता को भी दे आऊंगा।